वेलकम बैक व्यूअर्स। कल मैं मार्केट गया था तो वहाँ की कुछ एक छोटी सी घटना है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और ये कि जब हम किसी मार्केट में जाते हैं और अपने लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो वहाँ हमें कुछ चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें तो उतने ही पैसे में हम एक बेटर चीज़ अपने लिए खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैं फ्रेगरेंस की बात करूँ, खुशबू की बात करूँ, तो हम दिन भर फ्रेश रहने के लिए डिओड्रेंट का यूज़ करते हैं, सेंट का यूज़ करते हैं। तो मोस्टली अगर हम सेंट का यूज़ करते हैं या फिर हम डिओड्रेंट का यूज़ करते हैं तो सेंट तो हम कपड़ों के ऊपर लगा लेते हैं, लेकिन डिओड्रेंट हम बॉडी में डायरेक्ट स्प्रे करते हैं। और मोस्टली जितने भी मार्केट में डिओड्रेंट्स अवेलेबल रहते हैं उसमें 95% आपका अल्कोहल रहता है। अभी जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं भी उस तरीके के डिओड्रेंट यूज़ करता हूँ। जैसे मान लो कोई भी मेरे पास ये रखे हैं, ये सीक्रेट का है, ये इसमें अगर मैं दिखाऊँ आपको स्क्रीन पर तो इसमें 95% जो हमारा है वो अल्कोहल है, इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर, आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगा, ये इसमें 95% है। अब अगर मैं इसकी एंगेज की बात करूं तो इसमें भी आपका 95% इसमें दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर लिखा हुआ 95% इसमें भी अल्कोहल है। इसके साथ साथ एक बात और, अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आप हमें कमेंट कर सकें और हमारी फैमिली में शामिल हों। फॉर योर कार्ड इन्फॉर्मेशन कि अल्कोहल अगर हम लगातार कुछ दिन तक डायरेक्ट बॉडी पर अगर यूज़ करते हैं स्किन पर, तो फिर वहाँ से हमें इरिटेशन और खुजली या फिर अनकंफर्टेबल महसूस करने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, कहीं कहीं पर रैशेस भी हो जाते हैं। जहाँ अंडर आर्म्स की हम बात करते हैं तो यहाँ की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, और यहाँ पर अगर लगातार 2 से 4 दिन तक आप एक ही अगर डिओड्रेंट यूज़ करते हैं या बदल के भी करते हैं जिसमें 95% अल्कोहल है, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि अंडर आर्म्स में प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, या फिर वहाँ पर थोड़ी सी सूजन भी आ गई है। तो ये भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से भी कहा जाता है कि अगर हम अल्कोहल बेस्ड कोई भी चीज़ अगर अपनी स्किन पर ज़्यादा समय तक यूज़ करेंगे तो जो स्किन में एक नेचुरल हमें प्रोटेक्ट करने की जो एक एबिलिटी होती है वो फिर धीरे धीरे कम हो जाती है उस जगह की। और यही वजह रहती है कि जो भी हम अगर अंडर आर्म्स में अल्कोहल वाला जो डिओड्रेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों को नहीं भी होती है लेकिन मोस्टली लोगों को इसकी शिकायत रहती है। तो ऐसे में हम अगर उतने ही पैसों में जितने में हमने इस तरीके के ये ब्रांड्स खरीदे हैं या ये खरीदे हैं, तो इतने में ही हम अगर एक ब्रांड को स्विच कर दें तो शायद हमें एक बेटर ब्रांड भी मिल सकता है। मैं किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रहा, बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो अल्कोहल फ्री हैं और वो आपको सेम रेट में भी मिल जाएंगे, लेकिन जनरली कल मैं जब मॉल गया तो मैंने कुछ इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे लगे हुए ब्रांड्स देखे, और उसमें मेरी जो नज़र पड़ी वो ईवा के प्रोडक्ट्स पे पड़ी। तो ईवा में मैंने फिर वहाँ से कुछ इस तरीके के, ये ईवा में अलग अलग तरीके के ये खुशबू में आते हैं फ्लेवर्स इस तरीके के, ये एक ये भी है फ्रेश, आई लव दिस, मुझे बहुत पसंद है ये इसकी खुशबू। तो इस तरीके के और भी ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड वहाँ पर अवेलेबल थे जो सेम रेट में ऑलमोस्ट थे जो कि मैं पहले भी यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ जिसमें 95% अल्कोहल है, तो इसको भी लगाने का तरीका ये है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम इसको शर्ट के ऊपर से स्प्रे करें और अंडर आर्म्स में भी शर्ट के ऊपर से स्प्रे करें जिससे डायरेक्ट ये हमारी स्किन पर ना लगे, तो हम सेफ रहेंगे और दिन भर फ्रेश भी महसूस करेंगे। अब चाहे स्किन में बात करूँ तो सेम वही कि अगर 95% इसमें अल्कोहल है तो हम इसको अगर डायरेक्ट हम बॉडी में स्प्रे करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर हम शर्ट के ऊपर से या टी शर्ट के ऊपर से इसको स्प्रे करते हैं अंडर आर्म्स में भी, तो ये हमें फ्रेश भी रखेगा और खुशबू भी देगा और पसीने की बदबू से भी हमें दूर रखेगा और स्किन की प्रॉब्लम से भी हम बचे रहेंगे। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का ये मतलब था कि जब भी आप मार्केट जाएं और अगर आप अब कभी भी इस तरीके के डिओड्रेंट्स खरीद रहे हैं, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं दूसरे ब्रांड तो दैट इज़ वेरी गुड ऑल्सो, क्योंकि उनकी किसी किसी की खुशबू इतनी अच्छी होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है खरीदने के लिए। तो अगर आपको वो पसंद है तो ध्यान रखिए कि उसको आप ऊपर से स्प्रे करिए, डायरेक्ट स्किन पर मत स्प्रे करिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर आपको अगर आप पीछे उसके देखते हैं उठाकर कि कितने परसेंट इसमें अल्कोहल है, तो ये ज़रूर आप चेक किया करें जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदें कि किसी भी डिओड्रेंट में कितना परसेंट हमारा उसमें अल्कोहल है। तो अगर कम अल्कोहल हो तो वो दैट इज़ गुड कि उसमें परसेंटेज कम है तो वो हमारी बॉडी के लिए ठीक है। और ईवा में तो ईवा का कहना ये है कि इन प्रोडक्ट्स का कि ये अल्कोहल फ्री है, इसमें तो अल्कोहल है ही नहीं, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये दूसरे ब्रांडों से थोड़ा ठीक है। तो अगली बार जब आप खरीदने जाएं इस तरीके के ब्रांड, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें
क्योंकि जहाँ हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो क्यों ना उस पैसे में हम एक अच्छी चीज़ खरीद के आएँ। मैं किसी चीज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा, आपको जो अच्छा लगे आप वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम सेंट भी खरीदते हैं, सेंट भी अल्कोहल बेस्ड ही होते हैं, लेकिन उनको हम कपड़ों के ऊपर से स्प्रे करते हैं तो इसलिए वो हार्मफुल नहीं रहते हमारी स्किन के लिए। तो वेल, कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि आप जब आप खरीदने जाएं तो अल्कोहल का परसेंटेज जरूर उसके पीछे एक बार जरूर देखें, उसके बाद आप ब्रांड खरीदें, जो भी खरीदना चाहें वो आप खरीद सकते हैं। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो और आपके कमेंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगली बार हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।